हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 2 हियर। हम अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में मार्केट जा रहे हैं और अलीना स्टोरी का ही बता रही थी आपको। हाय मी, गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारे पप्पू का घर है। हाँ स्टोरी बताओ। गाइस मैं स्टोरी बता रही थी कि मैं उठी कैसे, मेरी उठने की कहानी। बिजली आ गई, लाइट आ गई, ये कहानी है। बिजली आ गई, फोन चार्ज कर क्योंकि यहाँ लाइट नहीं होती। अलीना मेरा दूसरा वाला फोन चार्ज पे लगाओ। अलीना देखो ये अभी अपनी स्टोरी बता रही थी और भाग गई चार्ज लगाने। मैं यहाँ पे ना जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ दिस इज़ वेयर यू यूज टू लिव इन द लास्ट वेडिंग। जब लास्ट शादी यहाँ हम आते थे, यहाँ पर रहते थे। अगर आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग देखें तो दिस इज़ वेयर वी यूज टू स्टे। एंड यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ बाकी घरों का। इतना खूबसूरत है। ये लड़की अपनी स्टोरी बता रही थी जो बाकी। अच्छा ये मम्मा आ रही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि बाहर के नज़ारे कैसे हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है काव डंग है। तो ये यहाँ पे इसको ड्राई करते हैं एंड देन दे यूज इट फॉर आग वगैरह। और बाकी इस तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। शादी हमारे उस वाले घर में हो रही है, तो ये बेसिकली ये पूरी गली, यहाँ पे ये सब्ज़ी वाले आए हैं, सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, आई लव दिस प्लेस सो मच। मैं आपको यहाँ से भी पूरा नज़ारा तोड़ देती हूँ, पूरे 360। पल्ली बेच रहे हैं अम्मी, आपकी फेवरेट पल्ली बेच रहे हैं अम्मी। तो अम्मी की पल्ली जो है ना वो सोना होता है, अम्मी को उस पल्ली बहुत पसंद है। अब हमने जाना है मार्केट, अम्मी को कुछ चीज़ें ले रही है और मैं तो एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा था वहाँ जाके ब्लॉग्स भी बनाऊंगी, तो वहाँ जाते हैं। आज बेसिकली दो इवेंट्स है, तो हमने दो दफ़ा तैयार होना, एक दिन में जो स्टार्ट होगा, एक रात को मेहंदी होगी, तो उसके लिए तैयार होना है हमने। ये है वो लड़की, अपनी कहानी बीच में छोड़ के चली गई। क्योंकि कहानी वही थी गाइस, मैं जब उठी ना तो बिजली थी, सही है। भाग भाग के चार्जर ढूंढ गई, सही है। जब मैं उठी बिजली थी, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने का, सही है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को कन्विंस किया और जब मैं उठी ना, हाँ मुझे तो उठाने की बहुत, फिर बिजली चली गई। मैं रलीना कुछ इस तरह से जा रहे हैं, पल्ली पालक वाले बन रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है। देखिए मेरी मम्मी क्या है, यहाँ पे पल्लियाँ ले रही हैं। जाए ना लो, हल्को सा चले, हमारी राइड आ गई है, लेट्स गो। तू ले नन मजा, तू ले ला हम जा रहे हैं रेशम गली, मार्केट का नाम है रेशम गली। और हम बिल्कुल गिरने वाले, मेरे पकड़ने से पकड़ने वाले, रेशम गली का पैदल गई हुई हूं सारी बार। हां मजा आ रहा है। काफी पिज्जा हट भी है गाइस। हम पहुंच गए हैं मार्केट, दिस इज़ द मार्केट। लोग सब अम्मी को चाहिए धागे, लेट्स गो। गाइस हम आ गए हैं मार्केट, अभी अलीना को कुछ चाहिए था उसने ले लिया, मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। हम इस दुकान में हैं इस वक्त और हमें चाहिए यहाँ से धागे, ये रिली वगैरह चेक कर रहे हैं। सो फ्रेंड जी, मैं सोच रही हूँ अपनी चूड़ियाँ ले लूँ आज के इवेंट के लिए, मेरे पास नहीं है। तुमने ले लिया सब कुछ? नहीं मुझे चाहिए टीका। टीका चाहिए इसको। गाइस मेरा दिल कर रहा है कि हम कुछ खाएं, कुछ खाना है। मेरे बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं? वैसे बांधना नहीं चाहती क्योंकि बिजली नहीं आती और मेरे बाल फिर स्ट्रेट किए हैं मैंने कल। मम्मी ले रही है धागे, नहीं मम्मी ले रही है नानी के सूट के लिए लेसेस। गाइस ये सूट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंधी स्टाइल है, सो प्रेटी। एक इसमें ये भी है, फुट रही है, मतलब भाव जेब है।
पेन नहीं एड्रेस हो नहीं दूसरा दो अरे ये ले और आदे ऐसे अरे नहीं पावे दा मॉडल दा दे कशक अलीना को लेने से अपने लिए बिंदिया और फाइनली वो कामयाब हो गई। मैंने उनको बिंदिया बोला नहीं बिंदिया नहीं इसको बोलते टीका बोलते हैं टीका बोलते हैं अम्मी को जहाँ तहाँ रिलियाँ नज़र आ रही है और अम्मी चाह रही है कि सारे ले लें लेकिन घर में इतने पड़े हुए हैं ना so pretty, nice. अंतर ऐसा हले से अंतर खुला फिर तो ना ना कर तो खुला दिसो खुला है तले तब किसको डांट पड़ी है चुप करके नहीं आ मेरे पास तेली थी एक अम्मी के पास पागल गाइस हम यहाँ पे झूले दुल्हन दुल्हा के लिए ये कंडी लेने जा रहे हैं कंडी नहीं लेने कंडी लेने जा रहे हैं उसको पास करने दो भाई गाइस हम यहाँ पे पकोड़े और समोसे लेने आए समोसे मुझे मिल गए और यहाँ पे हम पकोड़े लेंगे हमने लिए हैं समोसे पकोड़े और हम किसी दुकान में लिटरली दुकान के गोदाम में बैठ के खा रहे हैं ओ ये मसाला था इसके स्पाइसी मेरो यो गाड़ी आ रही है 20 रुपए के समोसे अली तू इन्हें खीर तो बदी दे आई के मैंने ये 20 देखे और मैंने अपने लिए लिए इसमें 24 पीसेस और ये 100 रुपीस का ही पूरा बॉक्स है वेरी नाइस ये वाला मैंने उठा लिया अपने लिए इनके पास सही सही ऑल दीस चिप्स वगैरह है गाइस हम फाइनली अपना सामान शामान उठा के निकल गए अली ना रुको वो गोल पैसों की बातें तो करें उनसे पैसों की बात कर रहे थे वो रिक्शे में बैठ गई इवेंट स्टार्ट होने वाला है इवेंट बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है हम इतना लेट हो गए हैं कुछ नहीं किया हम लोग आगे थे बाजार से जैसे ही आए हमने डिनर शुरू किया क्योंकि जल्दी से हमने खा के तैयार होने के लिए भागना है और लेकिन अम्मी के लिए चाय पी के जाता है ये देखिए कुछ बच्चे तैयार भी होके आ गए इसको देखो परी बनी इसको अलीना ने तैयार किया अरे देखा वो अपनी छड़ी छड़ी घुमा जी के मैं वापस इस वाले घर आ गई थी एक्चुअली शादी वाला घर जो है ना वो ये है इसको क्लोज किया था क्योंकि यहाँ पे गधों की जगह थी तो अभी हम खाना खाने यहाँ आए थे लेट्स गो मम्मी तैयार होने के लिए दोबारा जा रहे हैं ये देखिए जी मेरे कजन्स को तो देखें पूरे प्रिंसेस लग रहे हैं माशाल्लाह बच्चे सारे तैयार हो गए हैं पहले से गाइस यहाँ इतनी मुश्किल से लाइट आती है और जैसी लाइट आई है मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया क्योंकि मुझे व्लॉग करना है तो मेरे फ़ोन में भी 14% था और देखिए हमसे पहले अलीना वाले आ गए हैं एंड दे आर गेटिंग रेडी Already, wow. So we are getting ready for the first event of the day. ये थोड़ा सा बड़ा इवेंट होने वाला है इसके लिए हम बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं और मैं पीछे से अपने बाल स्ट्रेट नहीं कर पाई थी तो मैंने अम्मी को लगा दिया इस काम में ऑल्सो यहाँ पे लाइट का बहुत होता है बहुत मुश्किल से लाइट आती है तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बाल जल्दी से स्ट्रेट कर लूँ फिर आई कंटिन्यू विथ माई मेकअप थैंक्स अम्मी Guys, look at my mommy. माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी अम्मी खूबसूरत अरे अम्मी का चादर ये पता है इस चादर पे इतना काम हुआ है हाथ का काम हुआ है सारा सारे कजन्स ने मिलके बैठ के ये चादर बनाया अम्मी का इतना खूबसूरत है वेरी नाइस मामी वेरी नाइस बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से चलें और ये हूँ मैं 4 बजे हमें जाना था हम 5 बज गए हमें तैयार होते होते उस घर तक जाने का मरहला इतना कोई मुश्किल है ना मेरा ड्रेस इससे पूरा गंदा हो रहा है हाँ ये चीनी देते हैं शादी वाले घर में आ चुके हैं और यहाँ पे कर रहे हैं पार्टी पार्टी नहीं कर रहे मेरी बहन दूसरे का मेकअप कर रही है आईब्रोज को फिल कर रही है लोगों का और ये बिंदिया है जो मैंने सुबह में गई बाजार ये बिंदिया
जा रहे हैं मेहंदी उठाने। आवाज़ आई कि यहाँ पे बना रहे हैं ये लोग चाय सिर्फ सेलेक्टिव पीपल के लिए। सो देखें मैं आ गई इनसे पहले ही मैं यहाँ पहुँच के। तो मेरी अम्मी और मेरी मामी बना रहे हैं खाना। जो लोग चावल नहीं खा रहे हैं आज, वैसे है चावल लेकिन अम्मी बना रही है उन लोगों के लिए खाना। जो फिर मैं और मेरी खाला ने बनाई है चाय, छुप छुप के हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। मेरी खाला है अभी अम्मी यहाँ पे गोश्त साफ करने की कोशिश। अम्मी नमक लगा के रखते हैं थोड़ा सा झटपट गाइस। ये सीटी मुझे किसी बच्चे ने दी है। खाना लग गया सारा फैशन खत्म हो गया। खाना लग गया फाइनली खाना लग गया। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी हम सबको। खाना तो तुम लोग मैंने बोला है भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। खाना लग रहा है भूख। अच्छा खाना लग रहा है। बाहर मुझे बच्चे ने ऑफर किया कि हमारे साथ जाओ। मैंने कहा मैं बाहर ये खा रहे हैं ताकि ये लोग बहुत ज्यादा खा सके। उन्होंने मुझे टेस्ट कराया कि आप टेस्ट कर लें। अच्छा है ना गाइस, ये लोग ना एक ग्रुप के अगेंस्ट कुछ मतलब क्लैश हो गया। दौर होता था, मैं भी बचपन में ऐसी थी। जब हम लोग यहाँ शादी में बैठे थे तो हमें एक किसी ना किसी ग्रुप से क्लैश हो जाता था। फिर हम लोग ग्रुप बना के ना डांस वगैरह प्रैक्टिस करते थे। जैसे ये लोग अभी सोच रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे उनको जेलस करना चाहिए। हाय टू माय व्लॉग, कैसे हो? ये मेरी कजन है, ये भी मेरी कजन है। खाना शाना हमने खा लिया, अभी गाने वगैरह फिर से स्टार्ट हो गए। लीना इतनी वो है, पता है मैसेंजर है, वहाँ से उनकी आप बातें सुन के आती है कि वो लोग क्या कौन से डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि यहाँ पे इनको बता सके। सो यू गाइस, दिस इज अवर लुक 2 ऑफ द डे। अभी जो है मेहंदी है और अलीना का ये रहा लुक। अम्मी ने चेंज नहीं किया, यूजुअली बच्चे जो है चेंज करते हैं। बच्चों नहीं हूँ बट अम्मी ने बस अपना शॉल पहना है और मैंने इस तरह से चेंज किया हुआ है। आई एम ऑल ब्लैक टुडे। अलीना ने इस तरह का कोई ड्रेस पहने, दिखाओ अलीना। वाह वाह वाह। चलो अभी हम जा रहे हैं, आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी ऑलरेडी। ठंड इतनी है लेकिन फैशन नहीं रुकना चाहिए। लिटरली हमारे बाजू ऐसे नजर आ रहे हैं। अलीना भी हाफ स्लीव्स में है। ढोल जो है ना वो इस घर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये लड़के वाले जो ना यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने ढोल अपनी तरफ बुला लिया है। हम इस घर में
पहुंच गए और हमारे साथ ये हुआ है कि अभी तक कोई भी तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं कोई तैयार हुआ? तैयार भी नहीं हुआ। उरुज वाले अभी तक आए नहीं। ये मेरी खाला है, खाला ने अपना शॉल चेंज किया, मासी ने कपड़े भी चेंज किए। नहीं मां कत्ता नु कपड़े वही है। अच्छा बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये है बिस्मा बेबी, इसका ये है ड्रेस, मैंने भी चेंज किया, इसने भी चेंज किया है। ये मेरी खाला की बेटी है। पाँ पाँ पाँ। मेरे हाथ ठंडे है ना, बहुत ठंडे। मेरे हाथ बहुत ठंडे एक्चुअली इस वक्त। तुम्हारे भी? हाँ मेरे भी। We are back to our proposed house. Event जो है ख़त्म हो गया। बड़ी ज़बरदस्ती से उन्होंने मतलब बंद करवाया हमसे। हम तो बिल्कुल बस नहीं कह रहे थे, तो ढोल वाले को और सबको उन्होंने वापस भेज दिया। Did I show you guys मेरा आज का लुक, अभी का लुक? So I'm wearing this. Let me show you. I had to take my lenses off बीच में because look at my this eye. ये पूरा रेड हो गया एंड दिस इज़ ओके। इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द भी है बट आई एम गोइंग टू पुट ऑन सम आई ड्रॉप्स। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो। दो बज रहे हैं, हम लोग चेंज वगैरह करके ब्रश वगैरह करके वी जस्ट गोना गो टू बेड एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। आई होप यू गाइज एन्जॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय।